टूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जीमेल आईडी होगी, इसलिए आप अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन करके रखिए। उसके बाद आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं, 9 डॉट्स। ये 9 डॉट्स हैं गूगल एप्स के लिए, आप उसको क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है फॉर्म्स को। यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरह से, और आपको क्लिक करना है फॉर्म्स के ऊपर, जिससे गूगल फॉर्म्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। गूगल फॉर्म्स का यूज अभी बहुत ही है, जैसे ऑनलाइन सर्वे करने के लिए और स्पेशली कंटेस्ट कंडक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर आ चुका है। बनाने के लिए आपको ब्लैंक पर क्लिक करना है। ये है ब्लैंक फॉर्म, स्टार्ट अ न्यू फॉर्म। आपको क्लिक करना है ब्लैंक फॉर्म के ऊपर। यहाँ पे मेरे कुछ हैं फॉर्म्स जो मैंने पहले बना के रखे हुए हैं, हमको अभी दिखाना है, देखना है कि हमें नया फॉर्म कैसे बनाना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अनटाइटल्ड फॉर्म। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी टेस्ट ले रहे हैं, जैसे मैं टेस्ट ले रहा हूँ मान लीजिए कंप्यूटर साइंस, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कंप्यूटर साइंस, राइट। और ये डिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हो क्लास 7, मैक्स मार्क्स, ये सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन पे डाल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग हमें यहाँ पे यह करनी है कि जस्ट आपको सेटिंग आइकॉन पे जाना है, दिस इज कॉल्ड एज सेटिंग आइकॉन। यहाँ पे आपका है सेटिंग आइकॉन, उसको क्लिक करिए। उसके बाद आपको एक सीधा थर्ड ऑप्शन पे आपको आना है। देखो सबसे पहले आपको गए सेटिंग्स पे, ये सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्विजेस। क्विज में आपको यहाँ पे करना है मेक दिस अ क्विज, यस, इसको आपको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। आप चाहते हो क्या रिलीज, जो आप बच्चा अगर जैसे अटेम्प्ट करता है सारे क्वेश्चंस और उसे उसका रिजल्ट उसी समय मिल जाए, तो आप इस ऑप्शन को टिक रहने दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीज ग्रेड इमिडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। अगर आप चाहते हो कि उससे पहले मैनुअल रिव्यू करेंगे, आप उसको बाद में उन्हें ईमेल के थ्रू रिजल्ट दिखाना चाहते हो, तो आप उसको लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, जैसे मिक्स्ड क्वेश्चंस कितने हैं, बच्चे ने कितने मिस किए क्वेश्चन वो शो करेगा, करेक्ट आंसर कितने किए और उनके कितने पॉइंट्स मिले, ये सब अगर ऑन करेंगे तो आपके जो टेस्ट है उसके रिजल्ट सारे बच्चों को इस तरह से देख सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, आप चाहो तो उस टेस्ट को प्रोग्रेस बार दे सकते हो, कितना प्रोग्रेस मतलब खत्म हो चुका है। और उसके बाद आप ये भी दिखाई डिसाइड कर सकते हो कि जब बच्चा सबमिट कर देता है तो कैसे मैसेज आना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे थैंक्स फॉर सबमिटिंग, योर रिजल्ट विल बी सेंड टू योर ईमेल आईडी। इस तरह से आप एक मैसेज डाल सकते हैं, इसको भी आप सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे सीखना है कि क्वेश्चंस कैसे बनाना है। क्वेश्चंस आप बनाने के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं, देखिए यहाँ पे आंसर की, और ये सब तभी आएगा यहाँ पे आंसर की जब आपने सेटिंग्स में इस क्विजेस ऑप्शन को यहाँ पे यस किया हुआ है, तभी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आंसर की का। अब जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन डाल दिया, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। अब मैं चाहूं तो क्वेश्चन में कोई इमेज भी डाल सकता हूं इस ऑप्शन से, कहीं से भी आप इमेज डाल सकते हो, गूगल ड्राइव से जो भी। उसके बाद जैसे इस क्वेश्चन में तो इमेज की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने ऑप्शन डाल दिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंपाउंड प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस तरह से मैंने 3 ऑप्शन दे दिए। और आप चाहते हो कि बच्चे सारे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ही, ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो हर क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड का बटन यस करना पड़ेगा। इसके बाद ये मैंडेटरी हो जाता है, बच्चा अगर उसको छोड़ने की कोशिश भी करेगा तो उसे वो बिल्कुल हाईलाइट हो जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है, इसलिए उसको फिर से अटेम्प्ट वो करना पड़ेगा। अटेम्प्ट करने के बाद ही उसका फॉर्म सबमिट होगा। देन आफ्टर आप क्लिक कर दो आंसर की पे। अब इसमें से आपका आंसर सही कौन सा है वो डालना है, जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आप इसको क्लिक करेंगे। और ये मार्क्स आप कितना देना चाहते हैं एक क्वेश्चन के पीछे, मान लो मैं यहाँ पे मार्क्स देना चाहता हूँ 1, तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं।
इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लिया। अब आपको नया क्वेश्चन बनाना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ऐड क्वेश्चन, दिस ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऐड क्वेश्चन। इसी तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं, जैसे रैम फुल फॉर्म इज, यहाँ पे मैं फिर से ऑप्शन दे देता हूं, रैंडम एक्सेस मशीन रीड एक्सेस मेमोरी रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस तरह से कई बार क्या होता है, यहाँ पे ऐड ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया जैसे, तो आप इसको यहीं पे क्लिक करके आप इसको हटा सकते हैं। कई बार एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाते हैं, आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं कोई भी ऑप्शन को, या कोई भी ऑप्शन आपको हटाना है यहाँ से हटा सकते हो। इस ऑप्शन पे इमेज डालना है, इमेज भी डाल सकते हो आप। इसमें क्लिक करने से यहाँ से आप सीधा अपलोड कर लीजिए, ब्राउज ऑप्शन आपका कंप्यूटर खुल जाएगा, या इवन डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं नेट से। मान लीजिए मैं यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ गूगल, गूगल इमेज सर्च, यहाँ पे मैंने डाल दिया रैम, ये मेरा रैम मेमोरी आ गया, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये इस ऑप्शन के साथ एक इमेज भी लोड हो गई। इस तरह से हम कोई इमेज भी ऑप्शंस में डाल सकते हैं। सिमिलरली आप देखो, आप रिक्वायर्ड करना है इसको, कंपलसरी बनाना है क्वेश्चन को, आप इसको यस कर लीजिए आंसर की। अब इसका करेक्ट आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आंसर है। इसका क्या मार्क्स देना है वो, इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, इस तरह से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। अब आपको देखना है कि ये बच्चों को कैसा दिखेगा, तो आपको यहाँ पे आई का आइकन है, जिसका मतलब होता है प्रीव्यू, ये होता है कैसा दिखेगा बच्चे को, ये प्रीव्यू ऑप्शन है। सबसे पहले आपका बच्चे का आपको बच्चे को ये दिखेगा कंप्यूटर साइंस क्लास 7 और मैथ्स मार्क्स 15। अब उसे ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, उसने कोई भी अटेम्प्ट किया, मान लो इसका आंसर ये दे दिया और उसने सबमिट कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स फॉर सबमिटिंग, योर रिजल्ट विल बी सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो मैनुअल रिव्यू करने के बाद उसे मेल आप कर सकते हैं। और अगर हम ये ऑप्शन को यहाँ इस क्विजेस में, अगर ये हम ऑप्शन रिलीज गेट इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन करते हैं, अब आपको देखिए कैसे होगा इसका रिजल्ट। फिर से क्लिक करिए प्रीव्यू को, अब उसमें डिफरेंस देखिएगा आप, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये डाल दिया, इसने डाल दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी सबमिट। तो यहाँ पे देख रहे थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर रिजल्ट विल बी सेंड, वो तो मैंने मैसेज वही वाला है अब, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चा स्कोर देख सकता है, व्यू स्कोर देखिए, उसे सब पता चल गया। मैंने ये दोनों राइट दिए, दोनों में मार्क्स मिल गए 1, और ऐसे मार्क्स हो गए 2 आउट ऑफ 2। इस तरह से ये फॉर्म को हम डिजाइन कर सकते हैं और कोई भी टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। ये था बेसिक गूगल फॉर्म्स का। इसके बाद नेक्स्ट में हम नेक्स्ट सेशन में ये भी हम देखेंगे कि मैथ्स के लिए कैसे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट पेपर सेट करें, हिंदी हिंदी टाइपिंग कैसे कर सकते हैं इसमें, या इसमें हम पासवर्ड भी डाल सकते हैं, जैसे किसी को फॉर्म भेजा आपने, उसको पासवर्ड कैसे डालना है, ये सारी चीजें भी हम अगले सेशंस में देखेंगे। थैंक यू।